अजीज आप क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म का नाम और फिल्म का नाम अनजान आशिक है शायद हाँ इश्क अनजाना इश्क है इश्क अनजाना है अच्छा जी तो गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे ये सूफी सॉन्ग है कवाली है और ये एक आशिक दुहाई दे रहा है मजारों में दरगाहों में जगह जगह घूम रहा है रो रहा है गिड़गिड़ा रहा है फरियाद कर रहा है बहुत अच्छा बना है ये लड़का है अफरोज खान म्यूजिक डायरेक्टर और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना ये कवाली पैटर्न में है सूफी सॉन्ग मुझे गाने में भी मज़ा आया और उम्मीद करता हूँ कि अगर ये अच्छे ढंग से रिलीज होगा तो ये गाना चलेगा भी कवाली तो बहुत आ चुका और इस कवाली की बात करें और तो किस प्रकार का क्या कुछ अलग कवाली होगा ये कवाली तो देखिए आज जो आया है वो सब बाद में आया मैं तो 25 साल से कवाली गा रहा हूँ मेरे तो इतने एल्बम 110 एल्बम है मेरी कवाली के वेनस कंपनी टी सीरीज टिप्स हर कंपनी से निकला है और बहुत पॉपुलर है आपको याद होगा चलो आज खा जाएगा संदल उठेगा ये सब कवालियाँ बहुत फेमस हैं तो मैं तो बरसों से गा रहा हूँ मेरी तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है अजीज साहब की बात करें तो मोहम्मद अजीज के बारे में कहा जाता है यूं ही खामोश क्या हुए लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को नहीं इंडस्ट्री से जैसे चांस मिलता है ना हेलो इंडस्ट्री में जैसे चांस मिलता है ना तो वैसे ही आदमी घर भी बढ़ जाता है कोई वजह नहीं होती है देखिए सब समय समय की बात है और फिर ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया है मुझे दिया तो किसी और को भी तो वादा किया उसने देने का सब लोग गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं अच्छी बात है नए लोग भी गा रहे हैं उनको भी गाने का अधिकार है मैंने बहुत गाया और मैं आपको एक बात कह दूं कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा गाड़ने के बाद वहां सेटल तो नहीं होता उसको तो वापस आना ही पड़ता है ना तो वही है गाना तो मैं अभी भी गा रहा हूँ आज भी गाना गा ऐसे गाता रहता हूँ और हाँ बॉलीवुड से मेरा कांटेक्ट काफी कम हो गया क्योंकि हमारे समय के संगीतकार नहीं रहे है ना और जो जमाने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी थे वो भी नहीं रहे कुछ है भी तो वो पिक्चर नहीं बना रहे आज के जो लोग हैं उनके साथ हम मेरा कम्युनिकेशन गैप है तो बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं कुछ लोग नहीं पहचानते कुछ पहचान के भी अनजान बन जाते हैं तो है और मैं 18 आने के बाद अभी मैं किसी को जाके थोड़ी कहूंगा कि मुझे काम दो ये तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं जाता हूँ मैं आराम से बैठा हूँ जिसको जरूरत होगी मेरी बुला लेंगे वो मुझे अजय साहब संगीत की बात करें तो 80 के दशक की संगीत जब आप लोग हुआ करते थे और आज के संगीत में कितना अंतर आया है और आप कितना अंतर नहीं मेलोडी में बहुत कमी आ गई है अभी ऑर्केस्ट्रेशन है अरेंजमेंट है और रिकॉर्डिंग में भी मेटालिक साउंड है वो जो मिठास थी वो जो शायरी थी वो जो कंपोजिशन थी उसकी बात ही अलग है बहुत मजा आता था हम जो गाते थे लाइव रिकॉर्डिंग होती थी ऐसे बंद कमरे में थोड़ी होता था ऐसा लग रहा हम क्या गा रहे हैं किसको सुना रहे हैं यार लेकिन वो जो होती थी 100-100 म्यूजिशियंस बजाते थे लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उसका अलग मजा था तो कहीं ना कहीं उस एटमॉस्फेयर को आप बहुत मिस करता हूँ बहुत मिस करता हूँ अजय साहब आपने गाने तो बहुत गाए जैसे मर्द टांगे वाला जी तमाम ऐसे गाने हैं जो चलते चलते हमारे दर्शकों को ये फिल्म के बारे में और इस प्रकार का आपका गाना है और well, फिल्म के बारे में मुझे इतना ज्यादा नहीं पता मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि फिल्म का नाम बड़ा रोमांटिक है फिल्म बड़ी खूबसूरत है
नाम है अनजाना इश्क और मैं इसका एक नंबर गाने आया हूँ। फिरोज़ भाई ने रिकॉर्ड करना है इसको, फिरोज़ भाई ने इसका म्यूज़िक दिया है। और फिल्म के बारे में अगर जाना तो हमारे डायरेक्टर साहब भी यहीं पे हैं, संजीव जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है आप सबके सवालों का। मेरा मेरे लिए सवाल यही अच्छा है कि मैं क्या करने आया हूँ, तो मैं गाना गाने आया हूँ और मैं गाना गाऊंगा इंशाल्लाह। अगर गाने की बात करें तो किस प्रकार का गाना है वो? और इट्स ब्यूटीफुल पेपी नंबर है, एक अच्छा डांस नंबर है और पहली बार मैं फिरोज भाई के साथ इस तरह का गाना रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज इससे पहले हमने ऐसा गाना शायद ऐसा नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये एक नया, एक ये कह लो कि नया अचीव होगा आपस में। तो बस फिरोज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं एजी फिल्म्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और हमारे डायरेक्टर संजीव त्रिगुनाय जी जो अनजाने इश्क को लेके आ रहे हैं मार्केट में, बहुत ज़बरदस्त है और कहानी इसकी बहुत अच्छी है, रोमांटिक लव स्टोरी, पूरा परिवार इसको साथ में देख सकता है। और मैं अभी मोहम्मद अजीज साहब का एक गाना रिकॉर्ड किया कव्वाली, और मेरे छोटे भाई राजा हसन जी, इनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं जब भी इनके साथ काम करता हूँ मुझे बहुत मजा आता है और एनर्जी मिलती है। और अभी हमारे राजा भाई एज ए हीरो भी बॉलीवुड में छा रहे हैं माशाल्लाह। अरे भाई, और मैं चाहूंगा इंशाल्लाह कि हम लोग सब पूरी टीम वर्क मिलके एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए। मीडिया का धन्यवाद और संजीव जी जिस लेवल से इस फिल्म को डिजाइन किया है, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इंशाल्लाह अक्टूबर फर्स्ट वीक में शूट होने जा रही है यूपी और उत्तराखंड में। जी, राजा हसन के साथ आपको काम करके कैसा फील हो रहा है और कैसा नहीं? राजा हसन जी की जहां तक बात है, राजा हसन जी का मैं जब मैं सारे गांव पा देखता था तो मैं तभी से इनका फैन था, उस वक्त मैं दिल्ली में रहता था मुझे, और इनफैक्ट जब उसी वक्त मैंने सोचा था कि जब भी मैं इंशाल्लाह मुझे ब्रेक मिलेगा या मुझे काम करूंगा तो मैं भाई के साथ काम करना पसंद करूंगा, और माशाल्लाह ये हम लोग लगातार काम कर रहे हैं अल्लाह के करम से, और भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज मेरे लिए और भी एक शुभ दिन है चूंकि मैं मोहम्मद अजीज साहब का भी बड़ा भक्त रहा हूँ, चूंकि उनको गा के बड़ा हुआ हूँ। सारे भक्त एक ही साथ जमा, हाँ सारे भक्त एक ही साथ। और ये हमारे भाई जो संजीव त्रिगुनाय जी हैं, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छी चीज मार्केट में लेके आने जा रहे, पूरी फिल्म को पूरा परिवार देख सकता है। संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे राजा हसन और मोहम्मद अजीज जैसे लोगों से आपका? नहीं नहीं, ये लोग तो दिग्गज हैं, हुआ कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं। और बाकी मैं तो अफरोज भाई और राजा भाई और अजीज भाई तीनों का फैन हूँ। फैन क्या, मुझको ऐसी समझिए आप। तो ये लोग जो हैं जैसे काम कर रहे, राजा भाई ने गाना गाया बहुत अच्छा है, इनकी आवाज में तो दम है ही। और बाकी जो मेरे सिचुएशन है, सबसे अच्छी बात होती सिंगर की मेरी बात लगती है मुझको कि जो उसको नहीं बताया कि एक्टर क्या करेगा, लेकिन उस फील से गा देते हैं कि वो एक्टर वही करने में मजबूर होता है। तो राजा हसन जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बधाइयां देना चाहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दिस इज आवर जॉब। जैसे मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और काफी टाइम से ये सब हो रहा है उसके बावजूद आप अपने टाइमिंग पे और आप अपने जॉब को इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हम नाचीजों के लिए। और रही बात मेरी, तो मेरा काम ही यही है, मैं गाना गाने आया हूँ और मैं गाना गाऊंगा फिरोज भाई के लिए, और बस दुआ करो कि ये रिलीज अच्छे से हो और इसको जो परवान जो मिलनी चाहिए हम सभी के काम को, हम सभी के काम को जो अप्रिसिएशन जो दुआएं मिलनी चाहिए वो मिले, और जो जो कमाई होनी चाहिए वो हो, 200-300 करोड़ जो भी। आखिरी सवाल, 15 अगस्त आ रहा है जी, उस मौके पर दर्शक आपको सुनना चाहेंगे तो वो कौन सा? इससे पहले मैंने वंदे मातरम बड़ा फेमस हुआ था जब मैंने सारेगामा के दौरान गाया था, तो मुझे काफी